खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। कलयुगी बेटों ने हथौड़े से मां के पैर तोड़ पिता को भी किया गंभीर घायल। कोट कासिम के ग्राम खेड़ा में हुई दर्दनाक घटना। वहीं चिकानी क्षेत्र में जमीन की खातिर पिता का काटा हाथ। सजे धजे इंद्र विमान पर निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। दर्शन के लिए उमड़े शहरवासी। रूपवास में 29 जून को होगा वरमाला महोत्सव। ईस्टर्न कैनाल पर केंद्रीय मंत्री शेखावत के बयान से आया सियासी उबाल। कांग्रेस ने लिया आड़े हाथ। प्रदेश में भाजपा का राज लाने पर 46,000 करोड़ की मंजूरी की गई थी बात। और 5 साल की मासूम से रेप के दोषी को हुई मरते दम तक की कैद। वहीं ट्यूशन पढ़ाने के दौरान अभद्र हरकत करने वाले शिक्षक को 5 साल के लिए भेजा जेल। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनके बारे में जानकर सहज प्रतिक्रियां सामने आती है कि सचमुच घोर कलयुग आ गया है। अलवर जिले में एक ऐसा ही प्रकरण सामने आया है। कोट कासिम क्षेत्र के ग्राम खेड़ा में दो कलयुगी बेटों ने पत्नियों के साथ मिलकर अपनी ही मां के पैर हथौड़े से तोड़ दिए। वहीं पिता को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। वृद्ध माता पिता को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल वृद्ध की पुत्री बीना ने बताया कि उनके पिता 65 वर्षीय उदयचंद मेघवाल और मां 60 वर्षीय राजबाला पर पुत्र दिलीप और हितेंद्र जमीन को अपने नाम कराने का दबाव डाल रहे थे। इसके अलावा उनकी जमीन भी हड़पने का प्रयास किया गया और इसे लेकर उदयचंद की पुत्रियों द्वारा थाने में भी शिकायत की दी गई। आरोप है कि इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उधर मंगलवार सुबह जब पिता उदयचंद और माता राजबाला घर पर बैठे हुए थे, तभी दिलीप और हितेंद्र सहित दोनों की पत्नियों ने मिलकर वृद्ध मां के पैरों पर हथौड़े से वार किया। बीच बचाव करने आए उदयचंद के साथ भी मारपीट की गई। सर, हम 6 बहन भाई हैं, 2 हमारे मम्मी पापा हैं। सबकी शादी कर रखी है। मेरे पापा ने सबको सब हर चीज से वो कर रखा है। 2 भाई बड़े हैं और उनसे छोटी बहन है, और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे से छोटा भाई है, और उन्होंने बड़े वाले भाई ने और हितेंद्र ने बीच वाले ने उन्होंने दोनों ने पहले तो जमीन पे झगड़ा करा। हर तीसरे या 10वें दिन मारते थे दोनों को। फिर हमने पुलिस कंप्लेंट की। एक बार उन्होंने 2 बार करी, 3 बार करी। करने के बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत रिप्लाई देते, फिर कुछ कार्रवाई नहीं की। आज 3 दिन पहले हमने जब पुलिस कंप्लेंट की, उन्होंने हमारी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी। आज हमने किया, जब हम पुलिस चौकी में गए, उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद में शेखर नाम का पुलिस ऑफिसर वो आया, उन्होंने वीडियो वगैरह बनाकर फिर लेके गए। और सुबह 5 बजे की बात है, जब चाय पी रहे थे, जब भी उन्होंने झूमरे से और लकड़ियों से काट दिए दोनों हथौड़ा। दलीप ने, हितेंद्र ने, सरिता ने, रीनन, सहदेव ने और नकुल, राजबाला और उदयचंद, ये मेरे मम्मी पापा है। मम्मी पैरों में मार दिया, दो पापा के गुम चोट मारी और मम्मी के पैर काट दिए इन्होंने, और एक हाथ तोड़ दिया और एक यहाँ से तोड़ दिया। किस बात की मांग कर रहे हैं? ये डिमांड कर रहे हैं कि तुम कोई नहीं रहोगे घर में, सारी जमीन जायदाद हक वगैरह हमें दोगे। ना हमें मंगाते, ना हमें खंदाते किसी चीज का। कितनी जमीन है? हमारे 10-11 बीघा है, उस सबको हड़पना चाहते हैं ये, और गांव वाले भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। तीसरा भाई है? तीसरा भाई है, वो हमारे साथ है, उनकी वाइफ भी हमारे साथ है, और उनकी उनके पेट में बच्चा है, उनके साथ भी मारपीट की है। जमीन को लेकर यूं तो अक्सर झगड़े सामने आते हैं, लेकिन यह उदाहरण दर्शा रहा है कि रिश्तों पर लालच किस कदर हावी हो रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। और वहीं एक अन्य मामले में कलयुगी बेटे ने जमीन में हिस्से को लेकर अपने पिता का फर्सी से हाथ काट दिया, साथ ही लाठियों से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार चिकानी स्थित नूरखाबास निवासी 80 वर्षीय सदरमल के बड़े पुत्र रशीद खान को वर्ष 2000 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पद से सस्पेंड कर दिया गया था। उसने अपने पुत्र सईद अनवर के साथ मिलकर 80 वर्षीय पिता पर लाठी फर्सी से हमला कर दिया। इसके चलते वृद्ध का एक हाथ कट गया। घायल ने बताया कि रशीद 9 बीघा जमीन को अपने नाम करवाना चाहता है। फिलहाल घायल वृद्ध का सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है। मारपीट करे भाई, तू कहीं पाँव में तोड़ो,
पैर को तोड़ रहा था। क्या मांग करता है वो? कुछ नहीं मांगे, सिर्फ मांगना की जांच ही उसकी, जो हमने मांग जांच उसकी पूरी कर दी, जमीन की रजिस्ट्री कर दी वालों, और वाले सब काम कर लिया। खाली मछुआरा ने भी कर लो, उसको ये बोर्ड ना दी बताए, जोतर ना दी बताए, कब्जे ना दी। अभी आज क्या किया उसने? आज मेरे को मारा भाई। किस चीज़ से? लाठी फर से, दो चीज देखी मैंने, दो आके फिर मैंने कुछ डाल, देखो हाथ काट दिया पैर। हाँ वो तो आते ही लग गए मेरे दमागे दिमाग में, क्या कर सकूँ उससे। पिछले साल को क्या नाम है बेटे का? रशीद खान। क्या काम करता है? कुछ नहीं, एक पुलिस की गाड़ी है वहाँ पर, गाड़ी ले रखी है वहाँ चला गया। पहले पुलिस में था? हाँ। अब नहीं है पुलिस में? ना सस्पेंड है। हाँ सस्पेंड चल रहा है। क्यों भैया? वो कुछ पहले क्या होगा, क्या है उसने निकाल रखा है वो। पहले भी केस लगे हुए क्या? हाँ काफी लगे हुए उसके। कौन से थाने में? सदर में? सदर में। हाँ और भी जगह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे ये दो ही है। और लड़कियाँ? लड़की पाँच। सात लड़के? हाँ। एक दूसरा लड़का क्या करता है? ये फौजी है। ये रहा फौजी है। मैं यही चाहूँ भाई मेरे को क्यों मारे है? रिपोर्ट करा दी थाने में? हाँ रिपोर्ट कराया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। सजे धजे इंद्र विमान पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ मंगलवार शाम सुभाष चौक मंदिर से रवाना हुए। यह रथ यात्रा रूपहरी मंदिर के लिए रवाना हुई, जहां माता जानकी के साथ वरमाला महोत्सव होना है। इस मौके पर मंदिर महंत, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी और भक्त मौजूद रहे। मार्ग में जगह जगह रथ यात्रा की अगवानी हुई, साथ ही अनेक स्थानों पर प्याऊ भी लगाई गई। आपसे पहली बार से पिछले लोकेशन में गया था, इस रूप को देखकर। पांच दिन मेला चलना है, शासन स्तर पर किस तरह की व्यवस्था की गई? अब सर रखा गया है, कितने मिल रहे हैं? शहर का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, आज रथ यात्रा चलेगी, चार दिन मेला और फिर वापस रथ यात्रा। तो हमने करीब 700 पुलिसकर्मी पूरे एरिया मार्ग वहाँ पर लगाए हैं, और सादा वर्दी वाली पुलिस है, RAC का कंपोनेंट है और ट्रैफिक पुलिस है, और हमें अम्मीद है बिल्कुल शांति और सौहार्द से ये रथ यात्रा संपन्न होगी। आपसे पहली बार इस जगह आए हैं मंदिर की पूजा अर्चना की, कैसा लगा, किस तरह की व्यवस्थाएं देखी हैं? मंदिर प्रशासन है, इनका निर्वहन करना हमारे लिए गौरव का विषय है, इसके लिए हम मंदिर कमेटी और जो यहाँ की जनता उम्मीद करते हैं कि पीसफुल और अच्छी यात्रा का रूट डाइवर्ट किए गए। देखिए जो रथ यात्रा का रूट है यहाँ से लेकर के नगरी, वहाँ पर ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा और उन रूट को डाइवर्ट किया गया। जाने के लिए पुराना कटला स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर से आज अपनी सवारी प्रारंभ करके शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए और रूपास स्थित जगन्नाथ मंदिर में पहुँचे। आज के दिन भगवान अपने आप देख सकते हैं कि एकदम सुशोभमान हो रहा है रथ, जो है एकदम सजा हुआ है, उस रथ में सवारी करके निकलेंगे, जो कि अभी लगभग 6:30-7 बजे शुरू होगी और रात्रि के करीबन 4 बजे जो है वो रूपास अपने रथ में पहुँचेंगे। रथ यात्रा जो है वो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जाएगी, जहाँ लगभग 75 मंदिरों में भगवान की आरती होगी। रथ रुकेगा, आरती के बाद भगवान का रथ शुरू होता है वापस से, और इस तरह से लगभग 7 से 8 घंटे में रथ यात्रा पूर्ण होती है। और आप देखेंगे शहर में जगह जगह प्याऊ लगी हुई है, हर्षोल्लास का माहौल है और पूरा वातावरण शहर का जो है वो भक्तिमय हो चुका है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत धूमधाम से शहर मंदिर से रूपबास की ओर रवाना होगी। कुछ ही क्षणों में श्रीमान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय इसका पूजा अर्चना कर विधिवत शुरुआत करेंगे। विशाल रथ यात्रा अलवर में जगन्नाथ जी के मंदिर से प्रारंभ होकर होप सर्कस, घंटाघर,
नंगलिका सर्किल होते हुए रूपबास मेला स्थल तक पहुंचेगी। यह यात्रा शाम को 6:30 बजे अभी रवाना होगी और इसके लगभग 2 बजे रूपबास मेला स्थल पहुंचने की संभावना है। शहर के विभिन्न जो 60 मंदिर जो इस रास्ते में आते हैं वहां पर भगवान की पूजा अर्चना आरती होगी और लोग जो है शहर के इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ के लिए पलक पांवड़े बिछाकर वो इंतज़ार कर रहे हैं। इसका इतिहास 214 साल पुराना ये मंदिर है और जब से ये मंदिर की स्थापना हुई है और जगन्नाथ जी का ये मेला इसी तरह भरा जा रहा है और इसका जो पूर्व काल और रियासत काल के अंदर इसकी बहुत गर्मामय इतिहास पे इसको खींचा जाता था, रस को लोग वहाँ खींच के ले जाते थे और आज भी वो गर्मा बरकरार है, पर वो हाथी वगैरह नहीं है और चीज़ें नहीं है, पर लोगों का जो रुझान है इस मंदिर की तरफ पूरे ज़िले का एक सबसे बड़ा ये माना जाता है और यहाँ पे स्टालें लगती हैं, बैठे लगती हैं, लोग वहाँ आते हैं दूर दूर से और इस मंदिर की अपनी एक प्रतिष्ठा है और यहाँ के जो प्रजा पुजारी वगैरह हैं वो अपने बड़े संयमित तरीके से नियम कानून को लेकर के और इस मंदिर की गरिमा को बनाते हुए उन परंपराओं का पालन करते हुए इसको गरिमा को आगे बढ़ा रहे हैं। उधर गौरतलब है कि भगवान जगन्नाथ अलवर में जन जन के आराध्य हैं और जिला मुख्यालय के अलावा मालाखेड़ा एवं राजगढ़ में भी पूरे उत्साह के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान का इंद्र विमान बेहद खास है जो महाराजा बख्तावर सिंह ने बनवाया था। उधर रूपबास में मेले की चहल पहल जारी है। यहाँ 29 जून को वरमाला महोत्सव होगा जबकि 1 जुलाई को रथ यात्रा की वापसी होगी। इस खबर के प्रायोजक है बहुरानी ब्रांड और वहीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के चलते संयुक्त व्यापारी महासंघ की ओर से मंगलवार को शहीद स्मारक के सामने मीठे पानी की प्याऊ लगाना शुरू की गई। यह प्याऊ रथ यात्रा की वापसी तक जारी रहेगी। अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और प्रमुख सलाहकार राजकुमार गोयल ने बताया कि हर वर्ष की तरह यह प्याऊ लगाई गई है, साथ ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जब यहाँ से निकलेगी उसका पूजन किया जाएगा। संयुक्त व्यापारी महासंघ द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री जगन्नाथ जी महाराज के मेले के स्वरूप में आज 27/6/2023 से एक भव्य प्याऊ का शुभारंभ शहीद स्मारक के सामने किया गया है, जो 1 तारीख को रथ लौटने के पश्चात समापन होगी। यह प्याऊ हम यहाँ पर मीठे पानी की, ठंडे पानी की और आरओ वाटर, मिनरल वाटर ही आम जन के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। यह प्याऊ लगातार निरंतर 6 दिन तक संचालित रहेगी। संयुक्त व्यापारी महासंघ के तत्वाधान में कंपनी बाग रोड पर ये प्याऊ का आयोजन किया जा रहा है। आज भगवान जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा लेकर बारात के रूप में रूपबास पधारेंगे तो संयुक्त व्यापारी महासंघ की इस प्याऊ पर एक महाआरती का आयोजन किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ जी की 51 दीपों से आरती की जाएगी। 29 तारीख को सुबह माता जानकी जी जब जनवासी में जाएगी उस दिन कलश यात्रा जो आएगी वो संयुक्त व्यापारी महासंघ की प्याऊ पर आकर समापन होगी और संयुक्त व्यापारी महासंघ द्वारा कलश यात्रा में जितनी महिलाएं आएंगी उनका सबका हार्दिक स्वागत किया जाएगा, प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड और उधर जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के चलते कामगारों ने तिलक मार्केट गोल सर्किल पर राहगीरों को ठंडाई पिलाई। यहाँ मीठे पानी की प्याऊ भी लगाई गई है। यहाँ मौजूद सचिंद्र कौशिक ने बताया कि इसमें श्रद्धालु जीतू, अनिल पंडित, अंकित कुमार, हेमंत, सुरेंद्र कुमार, प्रीतम सिंह आदि का सहयोग रहा। तिलक मार्केट में जो मेहनत कश वर्ग है ये रथ यात्रा महोत्सव पर अपनी छोटी छोटी कमाई में से बचत कर करके ये प्याऊ लगाते हैं। इस दिन ये लोग बड़ी मेहनत करके खुद ही तो तंबू ये लाते हैं, टेंट का सामान खुद ही तकत लगाते हैं, पानी की व्यवस्था खुद ही करते हैं, मुआवजा और आपका शीतल जल तीनों को ये पिलाते हैं हमेशा और अपनी छोटी छोटी कमाई से भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित करने दूर से जो भयंकर गर्मी पड़ रही है उससे लोगों को राहत मिले। इस वजह से हर साल हम ये ठंडे पानी की प्याऊ लगाते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक बयान से सियासी उबाल आ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में भाजपा का राज लाने की स्थिति में शेखावत ईस्टर्न कैनाल के लिए 46,000 करोड़ रुपए मंजूर करने की बात कह रहे हैं।
जिला प्रमुख बलबीर सिंह ने आरोप लगाया कि यह उनकी संकुचित मानसिकता है। जिला प्रमुख के अनुसार इसकी घोषणा पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके बावजूद राजस्थान से संबंध रखने वाले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने प्रयास नहीं किए। उन्होंने मोदी सरकार पर राजस्थान के विकास में सहयोग न करने के आरोप भी लगाए। मैं तो ईआरसीपी भी बना दूंगा, थोड़ी भी नाम लाओ अच्छा चक्कर के लिए। मैं कह रहा हूं ये आगे चली इतनी आपको आएगी 46,000 करोड़ दे दूंगा। तुम राजेंद्र सिंह जी राज बना दो, तुरंत बन जाएगा। क्या कह रहा है इसी राजनीति में बातें करना तो फिर गलत बातें, फिर तो कल कोई दूसरा व्यक्ति भी कहेगा उसको ये कर दो तो ये मैं कर दूंगा। तो देश का पैसा है, देश में लगना चाहिए, जनता के लिए बना है, जनता काम होना चाहिए, मेरी सोच ये है। नहीं, आपको नहीं लगता कांग्रेस का राज है इसलिए वो नहीं दे रहे, बीजेपी का राज आ जाएगा तो वो पैसा देना चाहते हैं, तो इस तरह की भेदभावपूर्ण राजनीति? भाई ये तो पहले भी मोदी साहब ने कहा था, अजमेर आए तब भी ईआरसी के लिए राष्ट्रीय योजना घोषित करने के लिए। अब इस तरह की सोच रखना तो मेरे लिए तो समझ से बाहर की बात है, ये अच्छी सोच नहीं है। ऐसे जनता तो पानी के लिए परेशानी, अशोक गहलोत सरकार ने काफ़ी व्यवस्थाएं की हैं पानी के लिए, अब वो जो चीज़ें बोलना चाह रहे हैं मेरे समझ से बाहर की बात है कि ऐसी बातें क्यों करते हैं। हम जनता ने चुना है, जनता के लिए काम करें। गौरतलब है कि वसुंधरा राजे के अलावा राजस्थान में सीएम के संभावित चेहरों में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया जाता है, लेकिन ईस्टर्न कैनाल से जुड़े उनके बयान को लेकर कांग्रेस को प्रहार करने का एक मौका हाथ लग गया है। इस परियोजना को लेकर पहले से ही कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र से जानबूझकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहा। साथ ही सीएम गहलोत ने हाल ही में परियोजना के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, पार्टी इसे चुनाव में उठाने की तैयारी में भी है। इससे पहले शेखावत के ऐसे बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है कि यदि भाजपा का राज लाओगे तो 46,000 करोड़ की मंजूरी दे दी जाएगी। नारायणपुर थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने मरते दम तक कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 7,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि 5 वर्षीय बालिका जब खेल रही थी तो उसे आरोपी ओम प्रकाश बहला फुसला कर खेतों में ले गया, इसके बाद दुष्कर्म को अंजाम दिया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश शिल्पा समीर ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। 27/1/22 को पीएस नारायणपुर में पीड़ित 5 वर्षीय पीड़िता के पिता ने इस आशय के एफआईआर दर्ज कराई कि उसकी 5 वर्षीय पुत्री खेत में घर पर खेल रही थी, जिसे ओम प्रकाश उर्फ भूंगा उर्फ ओमी बैला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अनुसंधान कर आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366A, 376A व 5M/6 पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र ओम प्रकाश पुत्र फूलचंद निवासी अजबपुरा के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया है। न्यायालय द्वारा मामले का विचारण किया जाकर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 366A, 376A, 376A और 5M/6 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया और उसे 363 के तहत 7 वर्ष का कारावास कठोर कारावास व 1,00,000 जुर्माना और 366A के तहत 10 वर्ष की कठोर कारावास व 1,00,000 रुपए जुर्माना व 5M/6 पोक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस तक कारावास व 5,00,000 जुर्माने से दंडित किया गया। टोटल आजीवन कारावास से उसे दोषित किया गया है, अंतिम सांस तक उसे दोषित किया गया है और उसे 7,00,000 रुपए के अर्दंड से दंडित किया गया है। कहाँ का मामला था सर? ये अजबपुर का मामला था, बालियों की ढाणी अजबपुर का मामला था, पीएस नारायणपुर का मामला था। बच्ची 5 वर्षीय बालिका थी। और वहीं अलवर की पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी शिक्षक को 5 साल की सजा दी है। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान के अनुसार आरोपी प्रकाश चंद मावर ने बालिका को ट्यूशन पढ़ाने के दौरान अभद्र हरकत की थी, इसके बाद टहला थाने में प्रकरण दर्ज कर चालान पेश किया गया। मंगलवार को न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने उसे दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। आज विशिष्ट न्यायाधीश महोदय जगेंद्र अग्रवाल जी ने एक अहम फैसला दिया है। ये जो घटना है ये टहला थाना अंतर्गत क्षेत्र की घटना है।
एक अबूध बालिका जिसकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी, जिसको जो ये मुलजिम है इसको टीचर के तौर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगा रखा था। ये बच्ची को घर पर भी बुला लेता था, ये खुद भी चला जाता था। घटना वाले दिन बच्ची टीचर के घर पे गई थी और वहाँ पर इनकी जो पत्नी थी वो नीचे सिलाई कर रही थी, उसको ऊपर कमरे में लेकर गया। कमरे में ले जाने के पश्चात बच्ची को गोद में थोड़ी देर हिलाया, उसके पश्चात इसके साथ लिप किस किया, लैंगिक हमला किया। इसके उपरांत बच्ची के ओठ जो हैं उन पर सूजन आ गई। तो इस बात को जब अपनी मम्मी को उसने बताया तो मम्मी ने बात को दबाने के लिए कि बदनामी होगी, छोटी बच्ची है, तो अपने ननिहाल भेज दिया। ननिहाल भेजने के बाद में जब बच्ची आई तो 13/11/2022 को थाना टहला में FIR दर्ज कराई गई और उसके उपरांत नेक्स्ट डे मुलजिम को प्रकाशन महावर जो मुलजिम है इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद 14/11/2022 को गिरफ्तार करने के पश्चात 2/12/2022 को न्यायालय में जांच चालान आया, उसके पश्चात चार्ज लगाया। चार्ज के बाद में विचारण हुआ। विचारण में प्रोसिक्यूशन साइड से कुल 6 दस्तावेज 6 गवाह और 7 दस्तावेजों को परीक्षित कराया गया। आज दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात विशेष न्यायाधीश महोदय ने मुलजिम प्रकाश चंद महावर को 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। विभिन्न दुर्घटनाओं के शिकार 3 लोगों के शवों का सामान्य चिकित्सालय में मंगलवार दोपहर तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। इसके चलते मृतकों के परिजनों ने सामान्य चिकित्सालय के गेट पर रास्ता रोका और प्रदर्शन किया। यहां काफी देर तक पुलिस ने समझाइश भी की। वहीं परिजनों के अनुसार पंचनामा लिखने के 3 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। उधर PMO का कहना था कि एक मेडिकल ज्यूरिस्ट एविडेंस पर गया हुआ है और दूसरा अवकाश पर है। ऐसे में उन्होंने भारी रोष का इजहार किया। की व्यवस्था ना बिगड़े, कोई दिक्कत ना हो, इस चक्कर में हमने यहाँ डेड बॉडी जमा करा दी। उसके बाद हम सुबह 3 घंटे के यहाँ बैठे हुए हैं। हम जब CMHO PMO से मिले तो उनका यही जवाब है कि सब एविडेंस में गए हैं। एक बात बताइए, इतने बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर सिर्फ मात्र 2 ही जूरिस्ट है सरकार के पास में। क्या व्यवस्था है सरकार की? सरकार इतनी सारी योजनाएं लागू कर रही, इतना पैसा फंड देती है गवर्नमेंट निजी अस्पतालों के लिए, मात्र 2 जूरिस्टों के लिए देती है। तीसरा जो जूरिस्ट हम फिर हम मिले तो हमने जब वहाँ मिला PMO से, उन्होंने कहा कि 1 जूरिस्ट और है छुट्टी पे। तो एमरजेंसी एक बात बताइए मुझे, हमारे अलावा 2 डेड बॉडी और हैं, वो बेचारे कल शाम के परेशान हैं। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ हम सुबह 2 घंटे पंचनामा भरवा के, कल दोपहर की है, और हम मिलते हैं, हमें जवाब मिलता है 10-15 मिनट 3 घंटे से 10-15 मिनट नहीं हो रही है इन प्रशासन की। तो हमारी यही मांग है, सरकार के पास कोई इमरजेंसी नहीं होती क्या? इमरजेंसी कोई चीज नहीं होती क्या? इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं मंगा सकते क्या? हॉस्पिटल कार्रवाई की मांग है क्या? हम ये चाहते हैं कि एक तो प्रशासन पर कार्रवाई हो और हमारे तुरंत जल्द से जल्द पोस्टमार्टम होती। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए ATL TV। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में, तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स काला कुआं अलवर 301001। कांटेक्ट नंबर 7014344361। बाहर 45 डिग्री से पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9-लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद।
निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 and 2338663। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर में और आसपास लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। हनुमान सर्किल के पास सोमवार शाम ट्रोला के नीचे आने से मोटरसाइकिल सवार के एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रोले को लेकर फरार हो गया। मृतक युवक पिता को एक निजी अस्पताल में दिखाकर बाइक से घर लौट रहा था। अरावली बिहार थाना पुलिस के अनुसार सामूला गांव निवासी 20 वर्षीय शकील सोमवार शाम करीब 7 बजे अपने पिता सफेदा को एक निजी अस्पताल में दिखाकर बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आए ट्रोला ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक टायर के नीचे आ गया, जबकि उनके पिता उछल कर दूर जा गिरे। दुर्घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया। ये शकील खान सामोड़ा, सन ऑफ सुपेदा का नाम से सामोड़ा निवासी, ये अपने हॉस्पिटल से गांव जा रहा था, सानिया हॉस्पिटल से है? और पिताजी को दिखा के ले जा रहा हूँ। हाँ, नहीं, पिताजी दोनों हैं। गाड़ी ने मारी है, कोई ट्रोला है। हाँ, वो पापा की भी लगी थोड़ी, सानिया में एडमिट। हाँ, करीब 26-27 साल उम्र। हाँ हाँ, दो बच्चा है साथ। और वहीं सदर थाना अंतर्गत अपना घर शालीमार के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तिजारा फाटक के समीप रहने वाला 25 वर्षीय मनीष सैनी हलवाई का काम करने के लिए अपना घर शालीमार गया हुआ था। लौटते समय उसकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल मनीष को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मंगलवार को सदर थाना पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मनीष सैनी क्या हलवाई का कहाँ रहता है? तिजारा फाटक। कहाँ गया था? शालीमार में काम कर रहा था। ये किस चीज का? हलवाई का। मेरे को शाम को सूचना मिली कि ऐसे भाई का एक्सीडेंट हो गया है सरकारी हॉस्पिटल में। मैं शाम को सरकारी हॉस्पिटल में आया तो मुझे पता चला कि वो मृत्यु घोषित कर दिया गया है। हाँ, शादीशुदा है, एक बेटा है। शादी को तो साहब 8-9 साल हो गए। भाजपा ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत मंगलवार को अंबेडकर नगर जिला कार्यालय में बूथ स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का लाइव प्रसारण भी किया गया। अलवर में कार्यक्रम के दौरान शहर विधायक संजय शर्मा, सभापति घनश्याम गुर्जर, भाजपा के पार्षद एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान शहर विधायक ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को स्थानीय लोगों के सुख दुख में काम आने की सलाह भी दी। साथ ही कहा कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को चुनाव के समय ही नहीं बल्कि पूरे साल स्थानीय लोगों के बीच रहकर उनसे संवाद बनाना चाहिए। देखिए, भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो विशेष प्रवासी विस्तारक योजना के तहत हमारे कार्यकर्ता शक्ति केंद्रों पर जाने वाले हैं, बूथ पे जाने वाले हैं, उनको लेकर भोपाल में एक सम्मेलन हो रहा है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी संबोधित कर रहे हैं। और वर्चुअल माध्यम से पूरे देश भर के जितने भी बूथ हैं, हमारे मंडल स्तर पे हमारे मंडल के जो कार्यकर्ता हैं आज वो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अलवर शहर का जो बूथ नंबर 96 है, 96 जहाँ मेरा खुद का वोट है, जिस बूथ का मैं मतदाता हूँ, आज उस बूथ पर हम सब कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुन रहे हैं। और विशेष रूप से जो हम सबको अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे जो हमारे बूथ पर बैठे हुए अध्यक्ष हैं, अन्य अन्य राज्यों में जो बूथ अध्यक्ष बैठे हुए हैं,
जो प्रश्न वर्चुअल माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी एक कार्यकर्ता के नाते उन सब प्रश्नों का जवाब भी दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा संदेश है बूथ पर काम करने वाले हर उस प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का कि वो आम जनता के सुख दुख में सक्रिय रूप से भागीदारी बने। बूथ का कार्यकर्ता केवल चुनाव वाले दिन ही सक्रिय ना हो, उसका जो पहला कर्म है, पहला धर्म है, उस बूथ पर रहने वाले आम मतदाता भाई बहनों के हर सुख दुख में वो सक्रिय भागीदारी निभाए। यदि उस बूथ पर रहने वाली किसी बूढ़ी माँ को आवश्यकता है आटा गेहूँ पिसवा के लाने की, तो उसमें भी महती भूमिका हमारा बूथ अध्यक्ष निभाए। उनका ये मानना है कि बूथ का कार्यकर्ता जब सक्रिय होकर के उस बूथ पर रहने वाले आम मतदाता भाई बहन से सतत संपर्क में रहेगा, उसके हर सुख दुख में काम आएगा, उसके रोज़मर्रा के काम को कराने का प्रयास करेगा और उस हर उसकी मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, तो निश्चित रूप से वो बूथ पर रहने वाला मतदाता उसके प्रयास से, उसकी कार्यशैली को देख करके भारतीय जनता पार्टी का वो बूथ अध्यक्ष है तो आने वाले चुनाव में वो बूथ पर रहने वाला मतदाता उस कार्यकर्ता के कहने से आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान भी करेगा। सीधा सीधा मोटो यह है कि चुनाव वाले दिन ही सक्रिय ना रह करके पूरे साल प्रत्येक दिन प्रत्येक समय बूथ पर सक्रिय रह करके उस मतदाता भाई बहन के हर सुख दुख में भागीदारी बने। इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम बूथ पर काम करने वाले, हम बूथ पर रहने वाले सभी कार्यकर्ताओं का ये मार्गदर्शन भी मिला है, सीधा सीधा संदेश है। शहर के भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर में 16 जुलाई 2000 से रामचरितमानस का अखंड पाठ जारी है। पुजारी महाराज भूरादास ने बताया कि मंदिर में अखंड ज्योति भी वर्ष 1988 से लगातार जल रही है। उनका कहना है कि मंदिर में भूरा सिद्ध महाराज ने तपस्या की थी और धर्म की ध्वजा फहराई थी, इसके चलते मंदिर का नाम भूरा सिद्ध रखा गया। वहीं वर्तमान में महंत योगेश महाराज गद्दीनशीन है। यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, साथ ही राम दरबार, शेरावाली माता का मंदिर और नवग्रह मंदिर भी है। हनुमान जी महाराज, ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पूर्व काल समय का पहले का मंदिर है। ये मंदिर भूरा सिद्ध हनुमान जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ प्रथम भूरा सिद्ध जी महाराज जी ने तपस्या की थी और उन्होंने यहाँ धर्म की ध्वजा को लहराया था। उसके बाद में फिर और भी कक्कर जी महाराज जी हुए, श्री बेनामी जी महाराज जी हुए, श्री किशोरदास जी महाराज जी हुए, श्री गरीबदास जी महाराज जी हुए, श्री शीतलदास जी महाराज जी हुए, श्री मानदास जी महाराज जी हुए, उनके बाद में फिर श्री श्यामदास जी महाराज हुए। वो अभी 2016 में 12 जून 2016 को उन्होंने ब्रह्मलीन हुए थे। उनके बाद में अब महंत गद्दी नसीर श्री योगेश दास जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज का मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ अखंड ज्योत 16 अखंड ज्योत चल रही है, 2088 से अखंड ज्योत चल रही है और रामायण जी के पाठ हो रहे हैं। 16 जून 2000 से रामायण जी के अखंड पाठ चल रहे हैं जिनमें हनुमान जी महाराज की कृपा है, बोले कि बहुत अच्छे तरीके 16 जुलाई बहुत सुंदरता से पाठ हो रहे हैं जिनमें कोई अभिघन हो रहा है। 16 जुलाई 2000 से ये रामायण का पाठ हो रहा है, क्या मान्यता है इस मंदिर की? यहाँ हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी मान्यता है, जैसे कि पांडुपोल वाले हनुमान जी महाराज की मान्यता है, इसी तरीके से हनुमान जी महाराज की मान्यता है। यहाँ हनुमान जी महाराज भक्तों के सभी संकट हटते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। हनुमान जी महाराज यहाँ सभी भक्तों की बोले कि जो मुराद होती है उनको पूरा करते हैं। हनुमान जी महाराज की सबर पर दया अच्छी दृष्टि है, यहाँ चलते ही रहता है, कभी कोई 1.5 घंटा बैठ जाता है, कोई भगत 2 घंटा बैठ जाता है, 4-4 घंटा भी बैठ जाते हैं, चलते ही रहते हैं बोले कि। शहर में परशुराम सर्किल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में हुए जिला ब्राह्मण सभा के चुनाव परिणाम सोमवार देर रात घोषित कर दिए गए। इसमें उगता सूरज पैनल के सभी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वहीं अध्यक्ष पद पर विश्वभर दयाल वशिष्ठ 2,811 मतों से विजयी रहे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर आकाशदीप मिश्रा, उपाध्यक्ष जगराम शर्मा, मंत्री ओम प्रकाश शर्मा, संयुक्त सचिव पद पर मिनेश तिवाड़ी चुने गए। इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद पर झम्मनलाल शर्मा, ऑडिटर कुणाल तिवारी, बाबूलाल शर्मा और रितेश कुमार शर्मा ने जीत हासिल की है। परिणाम की घोषणा होते ही विजेता प्रत्याशियों का स्वागत किया गया।
उधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि सोमवार देर रात्रि करीब 12 बजे परिणाम घोषित हुए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में यह सबसे बड़ा सामाजिक चुनाव था जिसमें करीब 48,000 मतदाता थे। हालांकि 10,000 से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गई और मैंने चुनाव परिणाम घोषित कर दिया है। उगता सूरज के सभी प्रत्याशी 9 पदों पर विजय घोषित हुए। श्री विशंबर दयाल जी 2,811 मतों से विजय घोषित हुए। मोहन स्वरूप शर्मा जी के अगेंस्ट ये लड़े थे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्री आकाशदीप मिश्रा जी विजय घोषित हुए। इनका जो जीत का अंतर है वो 2,854 मतों का रहा है। इन्होंने शिवदयाल शर्मा जी को हराया है। उपाध्यक्ष पद पर श्री जगराम शर्मा जी विजय घोषित हुए हैं। इन्होंने जगदीश प्रसाद शर्मा जी को हराया है। मतों का अंतर ये 2,274 मतों से विजय घोषित हुए हैं। मंत्री पद पर ओम प्रकाश शर्मा जी विजय घोषित हुए हैं 2,534 मतों से। संयुक्त सचिव पद पर श्री मिनेश तिवाड़ी जी 2,407 मतों से घोषित हुए हैं। कोषाध्यक्ष पद पर श्री जम्मनलाल शर्मा जी 2,016 मतों से विजय घोषित हुए हैं। ऑडिटर पद पर श्री कुणाल तिवाड़ी जी 2,619 मतों से विजय घोषित हुए हैं। कार्यकारिणी सदस्य के पद पर भी उगता सूरज विजय घोषित हुआ है। दोनों पदों पर श्री प्रीतेश कुमार शर्मा इनको 5,394 मत प्राप्त हुए हैं, ये विजय घोषित हुए हैं। दूसरे पद पर बाबूलाल शर्मा 5,341 मतों से विजय घोषित हुए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। प्रतापगढ़ वन क्षेत्र में जम्मू साणा में वन विभाग ने 2 शिकारियों को पकड़ा है। उनमें से 3 जाल एवं 3 तीतर भी बरामद किए हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां 2 लोग जाल लगाकर शिकार करने का प्रयास कर रहे थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही शिकार के लिए काम में लेने वाले 3 जाल को भी जब्त किया गया है। आरोपी साहिल ग्राम टोडियार और जाकिर नगर का निवासी है। हमारे वन क्षेत्र प्रतापगढ़ में आड़ा बारा मंदिर से आगे नमुसाणा मंदिर की ओर जाने वाले वन क्षेत्र में हमें मुखबिर सूचना मिली कि 2 संदिग्ध रूप से 2 व्यक्ति घूम रहे हैं जंगल के अंदर। इसकी सूचना मिलते ही हमारे प्रतापगढ़ स्टाफ की टीम वहाँ पहुँची। वहाँ जाके देखा मौके पे, वहाँ 2 व्यक्तियों को दिखे बैठे हुए जंगल के अंदर, जो कि जाल लगाकर तीतर का शिकार करने का प्रयास कर रहे थे। उनके पास से जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 3 जिंदा तीतर बरामद हुए। उसके पश्चात उनको सरकार के कब्जे लेकर उनकी सामग्री जाल वगैरह आदि को नियमानुसार कार्रवाई चालू की गई। क्या नाम है शरीर के कहाँ से रहने वाली? ये इसमें एक अपराधी है जिसका नाम साहिल है, जो टोडिया निवासी है। दूसरा उसका नाम झाकर है, जो कि नगर से रहने वाला बता रहा है। और भी पूछताछ की जा रही है? जी, अभी तफ्तीश जारी है इसकी। और भी पूछताछ की जा रही है कि शिकार किसके लिए क्यों किया जा रहा था, तो सारी जानकारी। नहीं, इनके पास ऐसा कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। इनके पास तीतर पकड़ने के लिए जो उपयोग में लिया गया जाल है वो बरामद हुए हैं, 3 जाल बरामद हुए हैं। शहर में हजारी का मोहल्ला में एक सूने मकान से चोरों ने घरेलू सामान सहित चांदी के सिक्के, चांदी का ग्लास और हजारों का माल पार कर लिया। यहाँ के निवासी विकास शर्मा वर्तमान में विवेकानंद नगर के सेक्टर 4 में रहते हैं। चोरों ने पानी की मोटर भी पार कर ली। पीड़ित द्वारा कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। ये हमारा पुराना रिहायशी मकान था, ये हजारी का मोहल्ला स्थित काली देवी मंदिर के पास स्थित है। और 21 जून को मेरे छोटे भाई की लगन का कार्यक्रम था, तो हम लोग जयपुर गए हुए थे। 20 जून को हम लोगों ने आके यहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लिया था, जैसे चौकी, पट्टे और कुछ साड़ियाँ वगैरह निकाल के। चूँकि ये 5 साल से मकान बंद पड़ा है तो यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। ज़रूरी सामान निकालने के लिए आए थे, निकाल के ले गए। 21 जून को जब हमारे यहाँ लगन का कार्यक्रम चल रहा था जयपुर में, तो 22 जून को जैसे ही हमें मोहल्ले वालों द्वारा सूचना दी गई कि 21 तारीख को रात को आपके यहाँ का ताला टूट गया, पूरा मकान खुला हुआ है और पंखे वगैरह तोड़ गए, तो 22 तारीख को हमारे जो निजी रिश्तेदार थे उनको यहाँ भेज करके हमने जांच करवाई तो देखा सारा फैला पड़ा है। मैं 25 तारीख को यहाँ पे आया और 26 तारीख को मैंने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। क्या क्या सामान ले गए? सामान यहाँ पे हमने पूजा के लिए 6 सिक्के लेके आए थे चांदी के, जो यहाँ पे रखे हुए थे गलती से, और पूजा के बाद यहीं पे रखे रह गए। और एक तांबड़ी पीतल की
लगभग 3 फुट की थी, 3x3 की, और एक पानी की मोटर और कुछ तारों का बंडल था जो मैंने मेरे नए मकान पे बनाया था, तो वहाँ के बचे हुए तार थे, तो नए तारों के बंडल को कॉपर वायर थे वो ले गए उठा के। करीब कितने का सामान? लगभग सारा सामान अगर मिलाया जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये का सामान वो उठा के ले गए हैं। प्रदेश में श्री कृष्ण बोर्ड के गठन पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर यादव समाज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यादव महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हरसाय यादव ने बताया कि केंद्रीय मंत्री का बयान आपत्तिजनक है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के ओबीसी प्रदेश प्रकोष्ठ एवं यादव समाज द्वारा उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार विभिन्न बोर्डों का गठन करती है, इसी प्रक्रिया में माननीय गहलोत साहब जी ने यादव समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया है। यादव समाज उक्त बोर्ड के गठन को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने आपत्ति दर्ज की है। आपत्ति करते हुए उन्होंने ऐसे बोर्ड का समाज को तोड़ने वाला बताया है जो उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। गहलोत जी की कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करते करते बौखला गए हैं ये लोग और समाज का विरोध करने लग गए हैं। मैं समाज का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते गजेंद्र जी व रामलाल जी से मांग करता हूं कि वो अपने वक्तव्य के लिए यादव समाज से माफ़ी मांगे व वक्तव्य को वापस लें, अन्यथा आने वाले समय में समाज हर स्तर पर माकूल जवाब देगा और इसका विरोध करेगा। पूर्व सांसद युवरानी महेंद्र कुमारी की पुण्यतिथि मंगलवार को मनाई गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने स्मृति वन पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, यहां उनके समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अमर रहे, अमर रहे। युवरानी महेंद्र कुमारी। अमर रहे, अमर रहे। युवरानी महेंद्र कुमारी। अमर रहे, अमर रहे। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक MR मीणा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत युवा उद्यमियों को ब्याज अनुदान के साथ ही मार्जिन मनी अनुदान भी देने का प्रावधान है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुसार इस योजना में 18 से 35 वर्ष तक के युवाओं को लाभ मिलेगा, साथ ही 10 से 15% मार्जिन मनी भी दी जाएगी। उद्योग विभाग जो भी उद्योगों को प्रमोट करना है उसके लिए समय समय पर स्कीम लाता है। इसी कड़ी में अभी युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना उद्योग विभाग ने प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए तक कोई अपना व्यवसाय या सर्विस या उद्योग लगाना चाहता है और जिसमें उसकी उम्र 18 से 35 वर्ष है तो वो इसके अंतर्गत 6 से 8% ब्याज अनुदान का प्रावधान है और इसमें 10 से 15% मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान है। 10% पुरुष के लिए और 15% महिलाओं के लिए इसमें मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान है। तो जो भी युवा अपना काम खुद का स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं वह इस योजना अंतर्गत आवेदन करके और लाभ प्राप्त। युवाओं को स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार और उद्योग विभाग की अभूतपूर्व पहल है। कालाकुआ इलाके में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़क के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, वहीं पहले पूरी सड़क तोड़ दी गई और अब घरों के बाहर सड़क नहीं बनाई जा रही है। इसकी शिकायत JN और ठेकेदार को करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कहना चाह रहे हैं कि इस सड़क को एक बार चेकिंग करवाई जाए और इसका दिखाया जाए, इन्होंने प्रॉपर मटेरियल दिया है नहीं दिया है, और साइडों में जिस टाइम इन्होंने JCB चलाया था ये सारा रोड तोड़ दिया है, उस टाइम इन्होंने कमिटमेंट किया था कि इनको सही करवा के देंगे और अब ये कह रहे हैं कि ये अपने आप कराओगे, हमारा जो 4 मीटर है ये 12 फुट जो भी है उसको ही हम करा के देंगे, इसके अलावा हम नहीं कराएंगे। मतलब क्या मतलब तोड़ दिया और बनाना नहीं है? तोड़ दिया और बना नहीं है साइडों में से, और अच्छी जगह ऐसी जो मैं आपको दिखाऊं तो उन्होंने पूरा बना रखा है उधर, वो 4 मीटर से ज्यादा ही है। मतलब गली हर गली में अलग बन रहा है? हर गली में अलग है। मैटेरियल किस तरह का यूज हो रहा है? मैटेरियल ये मान लो कि जैसे अब
यहाँ पर अपना जैसे मिक्सर चल रहा है और यहाँ पर सड़क डालनी है, आए और मेटल भरा और ना तो मिक्सर हुआ वो प्रॉपर तरीके से और ले जाकर डाल दिया वहाँ जी, वो आप देख सकते हो, मैंने आपको गुणवत्ता दिखा दी मेटेरियल। रास्ता भी बीच में छोड़ रखा है जो साइडों की तरफ काफ़ी फुट छोड़ रखा है जी, इसमें बच्चे गिरने का डर रहता है, बाइक वगैरह नहीं चढ़ा पाऊंगे, नहीं चढ़ा पाएंगे और ना ही इसमें जो इन्होंने स्लोप दिए वो भी नहीं दी है, ये रोड प्रॉपर खड़ा हुआ है जिससे कि ये टूटने का चांस रहेगा पूरा पूरा, साइडों में कुछ नहीं लगा रहेगा। ठेकेदार से क्या बोला है आप, शिकायत करी तो? ठेकेदार कह रहा है कि जेएन साहब कह रहे हैं कि सुपरवाइजर को पकड़ो, सुपरवाइजर कह रहा है ठेकेदार को पकड़ो, मतलब कोई सुन नहीं रहा, कोई सुनने वाला नहीं है आपका। अब वही नगर परिषद के वार्ड 20 में बनी सीमेंट रोड को नई सड़क बनाने के नाम पर तोड़े हुए कई दिन बीत चुके हैं, टूटी सड़क के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सड़क के किनारे नाली जाम होने से जगह जगह पानी भर गया है, हालत यह है कि लोग अपने वाहन घरों तक नहीं ले जा पाते, साथ ही नगर परिषद द्वारा सड़क दोबारा नहीं बनाने के कारण हाल ही एक बुजुर्ग महिला गिर कर घायल भी हो गई थी, वार्ड में नियमित सफाई न होने, पेयजल संकट और खराब रोड लाइट की समस्या भी बनी हुई है। टाकाएं दो और देख भाई ये एरिया यार, ये मेरे तो ऐसी हालत और खा ठोड़ी में खा लगी है, ये टाक आया ये एरिया ने, ये एरिया मेरे तो फेंकना है कहीं, मैं तो होना है नहीं, अब बोलिए बोलिए अब खड़ी हो तो नहीं, तो मैं जब बताती एक घंटा तक बेहोश पड़ी थी रात के समय 7:30-8 बजे के बाद ही, कोई ना ये पैर में, ये गोडान में आइए बेटा और ये इनमें आइए, हम बस 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 ये 4:30 मेरे को आइए भाई, हमारे 3-4 दिन से रोड फोड़ के पटक रखी है और नगर परिषद के वहाँ से कोई आ नहीं रहा, ठेकेदार 3-4 दिन से ट्रैक्टर लेकर, एक दिन तो आया था दूसरे दिन कोई पता नहीं उनका, उन्होंने कह रहे हम छुट्टी पे, और ये हमारे बूढ़े बड़ों के कई के पैर में लग गई, हाथ में लग गई, बच्चों के लग गई कई हो के, हमें बहुत परेशानी हो रही है, नगर परिषद में कोई वही नहीं कर रहा है, यहाँ से आने जाने के लिए परेशानी हो रही है। आप यहाँ से आ रहे हो जा रहे हो तो किस तरह की परेशानी आप भैया, आने जाने में सबको परेशानी, बच्चों को भी है बड़ों को भी, हम सब पूजा वूजा करने जाते हैं, सबको मंदिर में जाने की दिक्कत हो रही है, एक दोनों के लग गई, बूढ़ी अम्मा के भी लग गई है और हमारे साथ में एक चाची जी के भी लग गई है, एक बच्चा के पैर में लग गई है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हमको आने जाने के लिए, तो तुरंत उठाना चाहिए इसको। हाँ तुरंत उठाना चाहिए, अभी बताओ 4-4 दिन पड़ा रहता है, नहीं तो फोड़ते ही नहीं इनको, फिर जब उठाना ही नहीं था तो सड़क फोड़ी क्यों थी भाई, फोड़ी थी इसको सड़क उठाओ यहाँ से, फिर ये कोई सुनी गली थोड़ी भी, यहाँ कोई रहता नहीं हो, यहाँ तो सब परिवार वाले लोग रहते हैं, बच्चे भी हैं सबके, छोटे बड़े बूढ़े वाले सब बुजुर्ग भी आदमी है सारे, यहाँ घरों से वाहन भी नहीं निकाल पा रहे, सारे वाहन रोड पे खड़े हैं भैया, एक भी यहाँ घर नहीं आ रहा, 4-4 दिन से बाहर, भले कौन किसी घर खड़े करेगा गाड़ियों को, चोरी भी होने की डर, चोरी क्या वो सामान चोरी हो गया हमारे वहाँ से गाड़ियों में से। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एचएल टीवी। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर, यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटीघाटी अलवर, कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बाला किला जंगल में भेजा जा रहा है, मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद, साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमिन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स, और इतना ही नहीं बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज,
सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1 चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। पंचायत समिति मालाखेड़ा के ग्राम बुलंदी में 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत नाला निर्माण की राशि पूरी खर्च नहीं की गई, इसके चलते लोगों में रोष व्याप्त है। वार्ड पंचों का कहना है कि नाला निर्माण के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 3 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन सिर्फ 1 लाख ही खर्च कर आधा अधूरा निर्माण कर दिया गया, इससे रास्ते में पानी भर रहा है। छोटी बैरवा के घर से नाला एनिकट की ओर एनिकट तक बनना था, जिस 15वें वित्त आयोग से इसमें 3 लाख की स्वीकृति हुई थी राशि की, लेकिन इसमें क्या है 1 लाख रुपए ही लगा पाए और नाला अधूरा छोड़ दिया, और अब क्या है रास्ते में पूरा पानी भरता है, जिससे आने जाने वाले पूरे राहगीर परेशान होते हैं। और ये लिंक रोड है, मतलब अपने चौमू रोड से ढाकपुरी की ओर डाम्बर रोड तक, अब इधर ढाणियों के बच्चे जो भी आते हैं इधर के, मतलब आधा सा गांव बसा हुआ है जंगल की ओर, जो बच्चे स्कूल की तरफ आते हैं वो भी सारे कीचड़ में होकर निकलते हैं, परेशान होते हैं, सब जनता परेशान होती है, और पूरा पानी रास्ते में भरा पड़ा है। नाला का पानी आगे रुका हुआ है, इसलिए रास्ते में पूरा नाले का पानी रुका हुआ है, आगे नहीं नाले का निर्माण कार्य होना चाहिए, जिससे क्या है सभी जनता को मतलब इस परेशानी से मुक्त हो, और बच्चे आने जाने वाले स्कूल में जो जाते हैं वो भी परेशान न हो। मालाखेड़ा प्रधान वीरवती और उमरैन प्रधान दौलतराम जाटव से युवा मंडल के सदस्यों ने मुलाकात कर समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने बताया कि मालाखेड़ा कस्बे में हल्दीना रोड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से नाले का निर्माण करवाया गया है, इससे बारिश के पानी की निकासी हो सकेगी। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग रखी गई। अलवर करौली मेगा हाईवे पर दोनों ओर बारिश का पानी जमा है, जो दुर्घटना का सबब बनता जा रहा है। यहां मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ बाईपास से राजगढ़ की ओर जाने वाली सड़क पर दोनों ओर अतिक्रमण कायम है। यहां भवन निर्माण सामग्री वालों ने दुकानों के आगे मिट्टी डाल रखी है, ऐसे में पानी सड़क पर भर रहा है। मालाखेड़ा उपखंड के बीजवाड़ नरूका में संत शिरोमणि गुरु रविदास की मूर्ति का अनावरण समारोह संपन्न हो गया है। 2 दिवस समारोह के समापन पर प्रसाद वितरण किया गया, इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गौरतलब है कि संत रविदास ने सामाजिक समरसता बनाए रखने और जाति पाति को समाप्ति करने का बिगुल बजाया था। समारोह में मूर्ति कमेटी के पदाधिकारी शोभा राम बैरवा, भगवान साय, बाबूलाल बैरवा, नरेंद्र कुमार और धर्म सिंह आदि का सहयोग रहा। ग्राम पंचायत दादर के गांव बुर्जा में आबादी में बसे हुए घरों के पास बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी, ऐसे में यहां सड़क का कार्य शुरू किया गया है। ग्राम बुर्जा में सेड़ माई के मंदिर से लेकर बाबूलाल जांगिड़ के मकान तक सड़क बनाई जाएगी। सरपंच सुमन बने सिंह गुर्जर ने बताया कि सड़क निर्माण से पहले 2 फुट की खुदाई की गई है, ऐसे में निचाई पर स्थित घरों में बारिश का पानी नहीं भरेगा। वहीं यहां मौजूद महेंद्र कुमार ने बताया कि जेसीबी से रास्ते की खुदाई के बाद सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। ग्राम बुर्जा में सेठ माई के मंदिर से लेकर राजू खाती के मकान तक रोड का काम चल रहा है जोर शोरों से। गांव के सरपंच सुमन बने सिंह के द्वारा रोड का काम किया जा रहा है, और रोड की खुदाई 2 फुट नीचे करके नहीं जब रोड का काम किया जा रहा है, जिससे क्या है घरों में बारिश का पानी नहीं भरे और मतलब रोड एकदम सही पड़ जाए बढ़िया, और 2 फुट खुदाई करके रोड बनाया जा रहा है और काम सही चल रहा है जोर शोरों से। मालाखेड़ा मुख्य बस स्टैंड से मेगा हाईवे को जोड़ने वाले हल्दीना मार्ग पर पानी निकासी के लिए नाले का अभाव बना हुआ है। हालिया बारिश से यह सड़क दरिया बन गई, वहीं सड़क पर गहरे गड्ढे हैं और कई बाइक सवार गिरकर घायल भी हो चुके हैं। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग भी उदासीन बना हुआ है। वहीं हल्दीना रोड निवासी डॉक्टर कैलाश सैनी ने बताया कि सड़क मार्ग पर भरा पानी सिरदर्द बन गया है। हल्दीना रोड पर यहाँ मालाखेड़ा के बीच में जो रोड जा रहा है हल्दीना रोड, जो कि एक व्यावसायिक रास्ता है, और यहाँ पे बारिश के मौसम में ये सड़क रोड नीची होने की वजह से और नालों का निर्माण नहीं होने की वजह से पानी भरा रहता है। कई बार प्रशासन को यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कृपया इस पर उचित कार्रवाई की जाए ताकि आमजन को राहत मिले।
राजस्थान रोडवेज की कई बसें खटारा हालत में हैं। ऐसी ही एक बस लक्ष्मणगढ़ से अलवर जाते समय मोंडिया गांव के पास खराब हो गई। इसके चलते बस में सवार यात्रियों को करीब 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। यह बस मालाखेड़ा पहुंचने से 3 किलोमीटर पहले ही ब्रेक डाउन हो गई। वहीं दूसरी बस की कोई व्यवस्था नहीं होने पर सभी यात्रियों को पैदल चलकर मालाखेड़ा पहुंचना पड़ा। और अब बात करते हैं थानागाजी की, जहां एक घर में अचानक रात्रि को सांप निकलने पर हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मिलने पर सरिस्का सदर रेंजर जितेंद्र चौधरी के नेतृत्व में टीम पहुंची और रसेल वाइपर यानी करेत प्रजाति के सर्प का रेस्क्यू किया गया। इसके बाद उसे सरिस्का जंगल में छोड़ दिया गया। रेंजर चौधरी ने बताया कि कस्बा निवासी सोहनलाल सैनी ने सूचना दी थी कि उनके घर में सांप आ गया है। इसके बाद इस जहरीले सांप को रेस्क्यू किया गया। यह सांप अन्य सर्पों के मुकाबले खासा जहरीला माना जाता है। बरसात के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं अकबरपुर क्षेत्र में भी किसान खरीफ की फसल की बुवाई में जुट गए हैं। ऐसे में खेतों में हल चलने के दृश्य दिखने लगे हैं। उधर कृषि विभाग के अधिकारी नरेंद्र शर्मा के अनुसार बारिश आने के बाद बाजरे की बुवाई हो गई है। हालांकि कुछ काश्तकारों ने पहले भी इसकी बुवाई कर दी थी। बारिश का समय पर आ जाना सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। इस बार अच्छी बारिश हुई है। बारिश को देखकर किसान खुशहाली के मूड में आ चुका है और इससे बाजरे की बुवाई लगभग कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी कुछ हो चुकी है, थोड़ी बहुत रही है, वो एक दो दिनों बुवाई लग बारिश हो चुकी है और इसे निरंतर का किसानों में खुशहाली है और बच्ची कुछ फसलें और खेत तैयारी बहुत खुशहाली है। कौन कौन सी अब तो बाजरे की है, विशेषकर बाजरे की बुवाई के लिए करेंगे तो बाजरे की बुवाई पूर्ण से कम्प्लीट है। उसके लिए बहुत बढ़िया मौसम और समय पर बहुत अच्छी बारिश हुई है। अब तो लगभग मानसून आने की ओर है। गवर्नमेंट के अनुसार मौसम विभाग के अनुसार बारिश लगातार रहने की संभावना है। फिर और इंसानी तौर पर बारिश आने से एक मौसम में खुशहाली आई है। और वहीं दो दिन से हो रही बरसात के बाद पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। उधर मंगलवार को सिलीसेड झील पर घूमने के शौकीन लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। उन्होंने यह मौसम का लुत्फ उठाया, साथ ही यहां की वादियों का नजारा कैमरे में कैद किया। इसके अलावा नटनी का बारा पर रूपा रेल नदी का नजारा भी देखने लोग पहुंचे। कितनी भीड़ है? कितना भीड़ हो गया है? बड़ी के बारह में बारिश हो रही, नदी चल रही है, सही है, बारिश हुई है पीछे। नटनी का बारा नटनी का बारा मौसम कैसा हो रहा? मौसम अच्छा हो रहा है, सुहाना, तो बरसात आ रही है। हाँ, बारिश आ रही है। भड़ोली से क्या नाम है? उमरैन पंचायत समिति के कॉन्फ्रेंस हॉल में शिक्षा विभाग की ओर से वीसी का आयोजन किया गया। इस दौरान नए सत्र में प्रवेश उत्सव सहित कक्षा 10 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग पर चर्चा हुई। वीसी में शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में फ्यूचर डायल क्रम में एक वीसी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं के बाद विद्यार्थियों के विषय चयन के क्रम में प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक एक पथ प्रदर्शक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे और उनके विषय चयन में उनकी मदद करेंगे। इस क्रम में आज माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा एक लोगो एवं मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया है। और उधर उमरैन पंचायत समिति सभागार में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। सरकार की योजनाओं का आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए आयोजन किया गया। इससे पहले प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर विकास अधिकारी कानूनगो एवं महात्मा गांधी दर्शन समिति के संयोजक मौजूद रहे। साथ ही महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा जानकारी दी गई कि प्रदेश में ग्राम पंचायत भवनों पर महात्मा गांधी पुस्तकालयों में 50,000 गांधी प्रेरक लगाए जाएंगे। महात्मा गांधी अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं शांति अहिंसा प्रकोष्ठ की ओर से संपूर्ण जिले में लगातार गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज ये हमारा 15वां ब्लॉक है। लगातार हर ब्लॉक में ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहे हैं। ब्लॉक संयोजक सह संयोजक के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में सारी हम लोग मिलकर या गांधी कार्यकर्ता सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर लगातार मुहिम जारी है हमारी।
और आज भी इसी क्रम में उमरेण में गए पंचायत समिति सभागार में गांधी कार्यकर्ताओं की ऐतिहासिक बैठक यहाँ हो रही है। इसमें तमाम लोग आए हैं, हर गांव से दो दो लोगों को चुनकर यहाँ बुलाया गया है और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में, देश में, हमारे ज़िले में शांति सद्भाव का कार्यक्रम बनता रहे। लोग आने वाले समय में प्रेम और प्यार से ही इस प्रदेश का विकास संभव है। इसलिए तमाम गांधी कार्यकर्ता ये संकल्प हम लोगों ने ले रखा है कि सारी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से शांति अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शांति अहिंसा विभाग करवा रही है, जिसका आयोजन किया जा रहा है। और इस शिविर में जो बच्चे प्रमाण पत्र लेंगे या बच्चे ही नहीं 21 से और 50 साल के जो प्रमाण पत्र लेंगे और 12वीं पास हैं, तो जिनको महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के नाम से 4,500 रुपया सैलरी में लगाया और जाएगा। जिनका कार्य काम रहेगा कि वो सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का घर घर वार्ड तक स्तर तक उसका प्रचार करेंगे। और इसके अलावा जो इनका कार्यकाल 1 साल का रहेगा और ये काम करेंगे, उसके बाद में महात्मा गांधी पुस्तकालय है और ये जो महात्मा गांधी से संचालित हैं जिनमें ये काम करेंगे। ग्राम पंचायत घेगोली के पंडित का आवास में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामवासियों ने आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि गांव में वर्षों से कोई सड़क नहीं बनवाई गई है, जबकि लोगों ने हर घर से 2,500 रुपए लेकर कुल 2,40,000 रुपए सरपंच को दिए थे। साथ ही सीवरेज लाइन भी पूरी नहीं डाली जा रही है, लोगों ने धरने की चेतावनी भी दी है। उधर सरपंच गणपत का कहना है कि इन समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा। बना रहे हैं ये देखो, अभी जो सरपंच से बात हुई है वो ये बोल रहे हैं कि वहाँ से तो हम ऊंचाई लेंगे और ढलान इधर की तरफ लेंगे हम रोड की, और समस्या ये है कि अगर वहाँ का सारा पानी इधर आके इकट्ठा होगा तो यहाँ से कहीं भी पानी जाने की कहीं सुविधा नहीं है। नाली वाली और ढलान कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और अब रोड की ये बता रहे हैं भाई, यहाँ तक आपका जो रोड खुदा है बनाने के लिए, केवल वहाँ बना है वहाँ तक रोड खुदा है, यहाँ से खुदाई नहीं की है, नहीं की। और यहाँ सिविल में अभी शायद मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं मौके पे आया हूँ तब जाके रोड डलवाई है, मैंने डलवाई है साहब स्वयं मैंने, अब रोड तो शायद मेरे आने के बाद डलवाई नहीं, वो वहाँ तक ही था। ये हेमराज जी का भी नाम ले रहे हैं तो वो भी मकान हेमराज जी का नहीं लिया जा रहा था, वो भी उनके कॉर्नर तक ही था हेमराज जी तक। तो ये तो अब रवड़ी दिखाने को डलाई है, जब मीडिया पहुंचा है आकर के नहीं तब जाकर के ये कार्रवाई को आगे बढ़ाया है सरपंच ने जी। ठीक, मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये वहाँ से लेकर यहाँ ढलान देंगे और पानी यहाँ जमा हुआ है, तो ऐसा कौन सा रोड है जो पानी भरने के बाद खराब नहीं होता है? नहीं, सारे डैमेज होंगे वो तो यथावती स्थिति में। या तो हम ये चाहते हैं कि या तो पानी बरसात का जहाँ आएगा अपने आप आ जाएगा। नहीं, ये जो सीवरेज डाला है, सीवरेज का क्या वो है इनका? नहीं, सीवरेज तो प्रॉपर रूप से चल रहा है। और ये नाली की भी बता रहे हैं सरपंच, रोड बनने के बाद में नाली तैयार करवाएंगे? नाली का हमारे पास कोई भी, हमको नहीं पता, कहते बहुत कुछ। एक चीज बताइए सर, जब शिविर इन्होंने डाला है तो जो शिविर के ऊपर एक ढक्कन सर जो डाला जाता है वो क्यों चैम्बर क्यों नहीं डाला इन्होंने? नहीं, सीवरेज में चैम्बर तो बनाते हैं, चैम्बर तो बनेगा, चैम्बर बनाया, लेकिन जो ढक्कन है रोड बनने के बाद में चैम्बर तैयार होता है, रोड चैम्बर बनने के बाद में होता है, वहाँ से पहले मिट्टी यहाँ थी मेरी सारी। ये तो ये मिट्टी कौन की है? ये तो रास्ता में लगी पड़ी मेरी है, है तेरी, ये तो मैंने डाली है ना। नहीं सर, मिट्टी दिखाओ, रास्ता दिखाओ, मिट्टी उठी है, मिट्टी उठी है। नहीं, यहाँ दो ट्रॉली मिट्टी का तो अभाव नहीं हो सकता, जो आप कह रहे हैं कि चौतरा था, चौतरा टाइप का था साहब ये। नहीं फिर सुनो, चलो कोई बात नहीं, सरपंच साहब इनका एक कहना है कि रोड जब वहाँ तक बना रहे हैं तो वहाँ तक रास्ते को खुदवाया है, और आपने अभी बताया भाई दीवार तक हम टच कर रहे हैं रोड, हाँ तो इस रोड को आगे आगे अगर ज्यादा सके। नहीं, ये इनका कहना ये है कि जब हमारे पास बन रहा है तो वहाँ से खुदाई की है आपने रास्ते की? कहाँ से? उधर से, पीछे से। ना, कोई खुदाई नहीं करी हमने, लेवल करी है मिट्टी जेसीबी से, लेवल करी है। अच्छा चलो सरपंच साहब यहाँ पे है तो हम एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं सरपंच साहब से कि सरपंच साहब यहाँ से ढलान लिया आपने यहाँ तक का, पानी यहाँ जमा करवाओगे आप? पानी को जमा नहीं करवाऊंगा, क्या क्या करो? बरसात का पानी तो कहाँ और निकल जाए, कोई पानी बरसात का जो डेली वेज का पानी है उसकी मैंने समाधान कर दिया है, वो सीवर लाइन जा रहा है, और जो बरसात का पानी है वो सरपंच साहब आपकी हर आवाज इस रोड पर उठ रही है, हर कॉलोनी वाले की सड़क की आवाज आपकी उठ रही है, सीवरेज लाइन की आपकी आवाज उठ रही है, पानी के पंप की आपकी आवाज उठ रही है। मैं ये कह रहा हूँ क्या इस तरीके के ये सारे आरोप, ये गलत है, ये पूरे गलत है आरोप,
ये गलत है तो सर ये चीज बताइए, जो चैम्बर ये अपने जो चैम्बर बनाया इसका ढक्कन किसने डाला है? इसका ढक्कन बताओ किसने डाला है? इसका ढक्कन हमने सब ढक्कन डाल दिए थे। ये जो अवैध खनन चल रहा है, ट्रैक्टर उक्टर निकल रहा है, ये बार बार ये तोड़ दिया, ये का ढक्कन अपने इन गांव वाला ने। जब भी हम रोड के साथ जो भी है, जो रोड के साथ जो भी है वो ढक्कन है ना, सब ने पैक कर दिया। अच्छा, ये जो सीवरेज रोड में आप जो डाल रहे हैं, सीवरेज रोड में आएंगे इनके ढक्कन हम पैक कर वो, हाँ बिल्कुल बना के देंगे, पैक करके देंगे। ठीक है, और ये रोड यहाँ हाँ यहाँ तक डलेगा। उसके आगे से मेरी पर्सनल मिट्टी को उठा लिया गया है, बिल्कुल उठाया गया है सर, और मेरे वहाँ तक रोड नहीं डाल रहे हैं। मेरे को लोग ऐसे बता रहे हैं कि हेमराज के घर तक ही बनेगा, उससे आगे नहीं बनेगा। नहीं, अगर साहब से आपकी बात हुई थी क्या? मेरी आज हुई है, कल भी हुई थी, इन्होंने मेरे को ये नहीं बताया था कहाँ तक रोड डलेगा। नहीं, आप सरपंच साहब से मिले जाके? हाँ, कल मैं मिला था इनसे। अच्छा, मैंने ये आपसे आपने ये सवाल किया? मैंने ये सवाल किया था कि जब आपको रोड यहाँ नहीं बनाना है तो आपने ये मलवा और मेरी मिट्टी क्यों उठाई? मैंने भैंसों के लिए स्पेशल मिट्टी भूडा मंगा के डाला है, आपने उसको भी इस रोड में मिला दिया। मैंने साइड में डाली है, चल के देख लो, ऐसा है मैं अभी लेके चल रहा हूँ। आप प्लॉट में, मैं तुम्हारी प्लॉट में तो घुस ना सकूं। सुनो मेरी, हाँ। मैं तुम्हारी प्लॉट में नहीं। अजी सुनो, तुम्हारी मिट्टी खींचने के लिए मैं तो रोड पे पहुंचा हूँ, रोड पे जैसे भी चलिए। अभी आपको सबको लेके चल रहा हूँ, मेरी एकदम मिट्टी साइड में है, रोड के बिल्कुल दीवार के टच में, और वहाँ से आप ही बोलोगे कि मिट्टी हटाई है। मेरी मिट्टी हटा दी इन्होंने और रोड में डाल दिया, क्यों? मैंने पर्सनल मेरा मैट ये मलबा डाला है, जब रोड नहीं बनाना बनाना था ये, तो मिट्टी और ये मलबा क्यों हटाया वहाँ से? नहीं, रोड तो सरपंच साहब का तो कहना ये है ना कि भाई वहाँ तक रोड बन रहा है। ये तो हेमराज वकील के घर, हेमराज वकील तक रोड बन रहा है। और आपका हेमराज वकील से कितना पास में ही है? बगल में ही मकान है। मतलब जब ये टी पॉइंट वो ले रहे हैं, वो डंडा वो मात्र 10 मीटर पड़ता है मेरे घर से, हेमराज के वक्त। अच्छा, रोड को आप क्या घर के दरवाजे से लगवाना चाहते हैं या रास्ते में डलाना चाह रहे हैं? मेरे को तो जैसे भी व्यवस्था है अपनी। नहीं, व्यवस्था आपकी जो सोच है वो रोड रास्ते में डलना चाहिए या आपके घर के गेट तक डलना चाहिए? देखो साहब, ये है कि 10 मीटर की दूरी बता रहे हैं रोड, हाँ? रास्ते से आपका, हाँ? तो आप घर के गेट की दूरी है 10 मीटर या रास्ता दूर है आपका 10 मीटर? ये तो ठेठ, अगर 10 मीटर तो है वो डंडे तक, ठेठ तक वो जो सामने टी पॉइंट पे है ना, वो 10 मीटर है। अब वहाँ से कितना आगे है आपका मकान? मेरा उससे डंडे से पहले पड़ेगा, तो हेमराज के दीवार तक जा रही है ना, फिर रोड अधूरा कहाँ रहा आपका? ये बता रहे थे ना कल, मुझे ये भी इन्होंने नहीं बताया। अगर जैसे मैं अब शब्द बोल रहा हूँ, यही मैंने कल बोला था इन्हें, इन्होंने ये नहीं बताया कि ये रास्ता कहाँ तक डलेगा रोड, ये नहीं बोला इन्होंने। जो मिट्टी थी वो कितनी ट्रॉली थी? दो ट्रॉली मिट्टी थी, और उसको रास्ते में पटक रखा था आपने? बिल्कुल दीवार में टच में है साहब। नहीं, दो ट्रॉली तो दीवार में टच में ही हो सकती है, दो ट्रॉली मिट्टी करीब 27 फुट लंबा है मेरा वो दीवार है जो 27। जेसीबी वाले को आपने बोला नहीं कल? मैं आया था यहाँ पे, इतने तो इन्होंने सबको बराबर कर। आप कितने बजे चल रही थी जेसीबी? करीब मैं आया था करीब 12-1 बजे के लगभग। आपके बच्चे थे घर पर? नहीं थे, वो भीतर से इतने आए, इतने तो सारे खेल हो गए। जेसीबी एरोप्लेन थोड़ी एक बार में डाल दी आपकी दो ट्रॉली मिट्टी? मेरे साहब गांव को सो तरीको, जेसीबी से कितना टाइम लगता है साहब? दो ट्रॉली मिट्टी में टाइम नहीं लगता बखेरने? जमी हुई थी सब, वो टाइप बेस बना रखे है ना अपन ने। तो घर का भी रोक सके यार? नहीं, घर हमारा कोई था ही नहीं। देखो भाई साहब, मैं अम्मा को इतना कस कर रखता हूँ, सुनो, सॉरी सर, हमारी अम्मा है जो थोड़ी सी वैसी है, वो कल भी बच्चे है, सुनो साहब, कल भी इनसे एक शब्द बोले कि सरपंच ऐसा नहीं करना। इनकी अम्मा आप नहीं बोलोगी, आप बूढ़ी बड़े सरपंच है हमारो। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं है कि भाई, वो भी जानते हैं वृद्धों को, माँ बाप का। उसी तरीके से मैंने इनको पूछो, मेरी माँ से मैंने कहा था, अम्मा आप ऐसे नहीं बोलोगी, ये सरपंच है हमारा, चलो इसको हम बोलेंगे आप रास्ते नहीं। में अब मेरे को एक चीज बताओ, ये 100 मीटर की दूरी है दरबारी के घर तक। हाँ, अब इन्होंने सीवर लाइन यहाँ से डाल दी। हाँ, अब हमारा पानी की भी समस्या चल रही है आज से, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से पानी। दीपक है मेरा नाम। दीपक जी, आपका घर यहाँ से सिविल लाइन से आगे दरबारी के पास में मेरा घर है। उगाई में पैसे दिए तो हमारे घर तक, उगाई में पैसे तक दिए हैं, जब भी सिविल लाइन वहाँ तक नहीं डाली, पूरी जिंदगी हो गया खड्डे में सोखता, खड्डे में पानी डालते। हाँ, बुलाओ, पूछो उससे, अभी भी सोखता हमारे घर तक होनी चाहिए। सुनो, मैं तो ये, और एक ये सरपंच साहब, ये पूछो, ये पेयजल योजना में 1,00,000 रुपए कहाँ खर्च किए हैं इन्होंने? ये 1,50,000 रुपए खर्च किए हैं, ये कहाँ खर्च किए हैं हमारे बोर में? उगाई का जो पैसा है वो 1,50,000 रुपए ना, डेढ़, ये तो उगाई की है, ये तो मान लो ये बना दिया, ये इसमें ये बोर्ड लगा रखा है, 1,50,000 रुपए पेयजल योजना में खर्च किए, किस चीज में खर्च किए हैं ये पूछना चाहूंगा मैं। ये 1,50,000 रुपए का जो ये बोर्ड लगा हुआ है, ये 1,50,000 रुपए के लिए खर्च किए, कहाँ खर्च किए? 1,50,000 रुपए की राशि पूछना चाह रहे हैं आप?
अभी कहां खर्च किया इन्होंने? सरपंच साहब थोड़ी देर वाइट दे दे आप हमें, इसको बता रहे हैं कि 1.5 लाख ये जो है? ये जो 1.5 लाख का बोर है ना, ये सर ये पेयजल योजना में काम करा इसमें। हाँ जी 1.5 लाख हाँ, इसमें बोर में ये बोर में करवाया है। इसमें तो हमारी समिति है, जो पेयजल समिति है उसने की है भाई। इसमें ये बता रहे हैं सर इनका 1 रुपया नहीं लगा, उनका ही लगा हुआ है भाई। हमारी पंडित वास की पेयजल व्यवस्था समिति है, उसने किया ये। जो या को पेयजल को जो देख रहा है ना, जो उसको वो अंकल जी सो की पंडित जी हैं वो देख रहा है, उससे बात कर लो। उनसे वो बता है, खुद है। वो नहीं है घर पे ही है, बुलाओ वो एक बार, बुलवाओ ना उनको, बुलवाओ थोड़ा सा, बुलवाओ उनको, बुलवाओ एक बार उनसे। आपने पानी की बात आज आज हो जाएगा, जो हो जाएगा। क्या नाम है आपका, नाम बताइए? निशा मैदान। निशा मैदान, तो क्या है समस्या आपकी यहाँ इस बात को लेकर के? नहीं, लाइन हमारी वहाँ तक होनी चाहिए और सीवर लाइन होनी चाहिए। हम नालियों के लिए इतना परेशान है, हमारा घर का पानी कर नहीं जा पाता है। अच्छा, जो शिवरीलेज के लिए आपने सरपंच को पैसा इकट्ठा करके दिया है, उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ आपके लिए? नहीं हुआ, नहीं हुआ, उपयोग ही नहीं हुआ, जो हमारे घर तक नहीं हुआ। तो और कितने पैसे दिए थे सरपंच साहब को? 2500 रुपये, 2500 रुपये घर से दिया था हम सब ने। और वहाँ आपके घर तक शिवरेज नहीं है? आपके घर तक शिवरेज नहीं पहुँची? सब घरों ने दिया इन्होंने, सब ने, सब ही परेशान है। चलो ठीक, सरपंच साहब इन लोगों का नहीं, नहीं नहीं मेरे को पैसे ना दे भाई, बाबू को दिया, बाबू नहीं मेरे को, हाँ मेरे को कोई पैसा ना दिया इन्होंने, कर दिया बाबू, कर दिया मेरे को, इन्होंने कोई पैसा ना दिया, तो बाबू ने भी ना दिया? हाँ बाबू ने, हाँ जी नहीं दिया। ये सही है ये ग्रामीणों का कहना, जो ये सीवर लाइन डली है कागजन में जो सेंशन हुई दरबारी के घर से और रतन लाला के घर की ओर, ठीक है, दो टुकड़ान में थी हुई 4-4 लाख की, ठीक है, और बाबूलाल के घर से और साहिल होटल की ओर, ये भी दो टुकड़ान में हुई है। नहीं अपन अब सवाल कर रहे हैं, हाँ। यहाँ का जो ये कॉलोनी है, कौन सी कॉलोनी है ये? पंडित वास। ये पंडित वास की जो आवाज़ उठा रहे हैं ग्रामीण लोग, वो ये कह रहे हैं भाई जो ये बोर्ड काटा है नाम का, हाँ। ये गलत है, इतने से यहाँ तक सीवरेज लाइन नहीं डाली है, क्या ये आरोप है या सच है? ना ये आरोप है सरासर, मतलब आपने दरबारी के घर तक सीवरेज डाला है? दरबारी के ये अपने आंगनबाड़ी है पंडित वास में, यहाँ तक उन्होंने सीवर लाइन डाल ली, तो दरबारी ये कागजन में नामन को डिस्टर्ब पड़ जाए, नामन को या की वजह से ये ना डली, आगे नाप पूरी डाली है पूरी। अच्छा जितनी, हाँ जितनी सीवरेज डलनी है ने वहाँ से ज़्यादा डाली है हमने। और सीवरेज लाइन में क्या क्या मटेरियल लगाया आपने? वो तो सीवर लाइन में जो पाइप हमें सीमेंटेड का, कितनी डेढ़ फुट डाया का, डेढ़ फुट डाया का, ठीक है ये डाला है। कितनी दूरी होगी, कितने चैम्बर लगाए अभी इसमें? यहाँ में चैम्बर डाला है 18x19 चैम्बर बना है पूरा, साहिल होटल से और यहाँ तक आंगनबाड़ी तक। अच्छा ये कितनी दूरी होगी साहिल होटल से यहाँ तक? यहाँ की दूरी होगी सर 2500 फुट, 2500 फुट लंबाई। चलो, और अब ये जो सीसी रोड डल रहा है, ये सीसी रोड, ये सीसी रोड है कुलदीप के, कुलदीप मदान के घर से और हेमराज के घर की ओर। कितनी दूरी है ये? ये दूरी साहब अपने पास है या का इस्टीमेट 10 लाख का। अच्छा क्या योजना के तहत हो रहा है ये? अपने पंचायत, पंचायत मत से, पंचायत मत से, हाँ पंचायत, हाँ पंचायत मत से काम हो रहा है ये। अभी सरपंच साहब का कहना ये है कि जो सीवरेज लाइन का कार्य अधूरा है वो उस दूसरी साइड में जो दिवाकरी की तरफ सीवरेज लाइन लगी है उसमें ये लगा देंगे। और सरपंच साहब कब तक हो जाएगा ये रोड बनने के बाद उधर, हाँ, कब तक करा? महीना 20 दिन में हो जाएगा, महीना 20 दिन में नहीं होगा। दिवाकरी का अलग है सरपंच, यहाँ का अलग है सरपंच। नहीं ये तो अपना सरपंच करा, यहाँ का है तो यहाँ का, तो इनका है, ये कराएंगे तो यही ना, यही करा तो इनका हक है ना, तो अब बन रहा है तो इसको भी करवाना चाहिए ना इनको। सरपंच साहब आप इस काम को भी छुड़वा दें, ठीक है ठीक है, ताकि इन लोगों की आवाज है, इनका दुख ठीक है और जनप्रतिनिधि सुनता है सब, ठीक है सर। तेजारा पुलिस ने अपहरण कर 3.5 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में बंधक को मुक्त करवाकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु डीएसपी विनय चौधरी ने बताया कि मंगलवार को सुबह 4 बजे ग्राम खरेटा निवासी शकील खान ने खुद के पिता जलेब खान के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जलेब खान को तेजारा क्षेत्र के ग्राम सूरावास के जंगलों में ले जाया गया और छोड़ने के लिए 3.5 लाख की मांग की गई। ऐसा नहीं करने पर बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी गई। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचकर जलेब खान को मुक्त करवाया, साथ ही आरोपियों का पीछा कर 7 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आदमी को बंधक बनाया जा चुका है और उसको रिहा करने के बदले में फिरौती की मांग की जा रही है। ये सूचना मिलने पर थाना तिजारा से 3 टीमें गठित की गई। उन तीनों टीमों ने
मोबाइल लोकेशन के आधार पे जो सूचना मिली उस आधार पे कुछ तबीज दिए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो जिसका अपहरण किया गया, जो अपहर्ता हैं उनको भी दस्तियाब कर लिया गया। इनको अभी अग्रिम कार्रवाई के लिए रखा गया है और जो रिपोर्ट है वो अभी दर्ज हो रही है जो अपहर्ता है उनके बेटे की तरफ से। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी उसमें आगे का अनुसंधान किया जाएगा। ग्राम नगलिया में जगदम्बा आई हॉस्पिटल द्वारा नेत्र जांच शिविर लगाया गया। इसमें मोतियाबिंद की निशुल्क जांच की गई। शिविर में 120 मरीजों की जांच कराई और इनमें से 12 मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। इस मौके पर गौरव दायमा, भाजपा नेता प्रवीण यादव, भिवाड़ी के उपसभापति बलजीत सिंह दायमा, सभापति शीशराम तंवर और भिवाड़ी SP विकास शर्मा सहित शिवम कोहली मौजूद रहे। और ये आंखों का कैंप लगाया गया है जगदम्बा आई द्वारा हॉस्पिटल द्वारा। तो कितने लोगों की लगभग जांच हुई है, कितनों को लाभ मिलेगा? यहाँ पे 120 के समथिंग लोग आए हैं जैसे माताएं बहनें भी आई है और सबको ही लाभ दिलाने की पूरी कोशिश जारी रहेगी। तेजारा विधायक संदीप यादव के प्रयासों से कुछ स्कूलों में नए संकाय खुलने के अलावा स्वास्थ्य केंद्र भी मंजूर हुए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिंडूसी सहित भिवाड़ी गर्ल्स स्कूल में विज्ञान संकाय खुलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय असलीमपुर में कला संकाय खुलेगा। यह स्वीकृति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी की गई है। इससे स्थानीय विद्यार्थियों को दूर दराज के विद्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। और अब बात भिवाड़ी की, जहां जिला स्पेशल टीम ने वाहन चोरी के मामलों में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। DST टीम प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि तावड़ू क्षेत्र का सोहिल बावला कई राज्यों में कैंट्रा ट्रक और मोटरसाइकिल चोरी का आरोपी है। वह कुख्यात बावला गैंग का मुख्य सरगना है। आरोपी नशे का शौक पूरा करने के लिए वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। वहीं जिला स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल मनदीप सिंह को मिली सूचना के आधार पर उसे रामपुरा से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से चोरी हुई मोटरसाइकिल मिली है जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। भाजपा ने टपुकड़ा स्थित बोरा गेस्ट हाउस पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री के भाषण का लाइव प्रसारण किया। इस दौरान अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें कार्यक्रम के टपुकड़ा मंडल प्रभारी सुरेंद्र यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान, सह संयोजक नेहा गोयल सहित महावर पवार, भुवनेश गर्ग, रण सिंह पोसवाल आदि की मौजूदगी रही। खैरतल में अधिवक्ता सुरेश चौधरी के घर से लाखों की लूट करने के आरोपी 7 बदमाशों को किशनगढ़बास न्यायालय में पेश किया गया है। इन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि यह अंतर्राज्यीय गैंग है और इसमें राजस्थान सहित गुजरात, MP और हरियाणा में अनेक वारदातों को अंजाम दिया है। बदमाशों को पकड़ने में मुख्य भूमिका हेड कांस्टेबल रोशन लाल और लक्ष्मण की रही, जिन्हें सम्मानित करने के लिए प्रस्ताव जिला स्तर पर भेजा जाएगा। माचाड़ी कस्बे में ईश्वाना मार्ग पर जल जीवन मिशन के लिए खोदी गई सड़क दुर्घटना का सबब बन गई है। यहाँ कई बार भारी वाहन फंस चुके हैं, साथ ही अनेक दुपहिया वाहन चालक गिरकर घायल भी हो चुके हैं। लेकिन ग्राम पंचायत और क्षेत्रीय विधायक जौहरीलाल मीणा उदासीन बने हुए हैं। इसे लेकर पूर्व वार्ड पंच धर्मी यादव, प्रहलाद शर्मा और बबली शर्मा सहित अनेक ग्रामीणों ने रोष जताया है। गोविंदगढ़ कस्बे की ऐतिहासिक धरोहर किला क्षेत्र में शहर की गंदगी डाली जा रही है। इसे लेकर उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के अनुसार यहां 5 मंदिर भी हैं, इसके बावजूद नगर पालिका द्वारा कचरा डाला जा रहा है। हनुमान सर्किल से बगर तिराहे तक सड़क पर लगाए गए लोहे के चैनल हादसों को नहीं रोक पा रहे। कुछ लोगों ने इन चैनलों को काटकर आवाजाही की जगह बना दी है, साथ ही इन्हें कबाड़ में बेच भी दिया गया। गौरतलब है कि दुर्घटना रोकने के लिए यहां लोहे के चैनल लगाए गए थे। दूसरी ओर इसे लेकर अधिकारी भी उदासीन बने हुए हैं। आज चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। कलयुगी बेटों ने हथौड़े से मां के पैर तोड़ पिता को भी किया गंभीर घायल। कोट कासिम के ग्राम खेड़ा में हुई दर्दनाक घटना। वहीं चिकानी क्षेत्र में जमीन की खातिर पिता का काटा हाथ। सजे धजे इंद्र विमान पर निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। दर्शन के लिए उमड़े शहरवासी। रूपवास में 29 जून को होगा वरमाला महोत्सव। ईस्टर्न कैनाल पर केंद्रीय मंत्री शेखावत के बयान से आया सियासी उबाल। कांग्रेस ने लिया आड़े हाथ। प्रदेश में भाजपा का राज लाने पर 46,000 करोड़ की मंजूरी की कही थी बात। और 5 साल की मासूम से रेप के दोषी को हुई मरते दम तक की कैद। वहीं ट्यूशन पढ़ाने के दौरान अभद्र हरकत करने वाले शिक्षक को 5 साल के लिए भेजा जेल।
इसी के साथ खबरों में आज इतना ही, दीजिए अर्चना जैन को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL TV, भरोसा अलवर का।